ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। फरियाद लाए हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जा। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूं ऐ रब के कुंवर, तुम जान तुम मन की पतियां, दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां। सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, कहे बिगहा दुस्तीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। हबीबे हजी, ओ हबीबे हजी, पर भी आका नजर, वरना आरा के हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, जब है फिजा मदीने में, जब है निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में। नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। बड़ा है रास है राहे खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। मैं कशो साकी ये कौसर से पीने चले, दस्ते साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर,
छूट गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। वो नजर जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा से लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक, करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, शायद स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो है आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुनापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में, हम सिर्फ और सिर्फ कहेंगे आपको वेलकम। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। क्या करेंगे आप, सर्च करेंगे आप ZU FM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। सो दो पेजेस आपको नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर आपने जल्दी से लाइक एंड फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial, तो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर आपने जल्दी से फॉलो करना है।
ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @SayedaFarhanaAli, उस अकाउंट को जाकर फॉलो करना है। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे @SayedaFarhanaAli, वहां पर मेरा एक चैनल आपको नजर आएगा। उस चैनल को जाकर अपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, मतलब आपको कौन सा बिल आना है। साथ ही साथ अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक, ऑन माय ट्यूनर ऐप। और अगर साथ ही साथ अगर आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको हमारा शो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो बस एक छोटी सी शर्त है इसके अलावा, और वो है कि आपने ना आपे से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। सो चलें जी, आज भी बहुत सारी बातें हैं हमेशा की तरह, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आज के दो टॉपिक्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, तो फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं ये वाला ट्रैक और वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने जब तक कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि आपसे कहीं भी जाएंगे तो पछताएंगे, तो हम नहीं चाहते कि आप जो है वो पछताएं। सो वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद। दिस इज कंगना बाय शहजाद रॉय। सो आज जरा कुछ ओल्डी गोल्डी ट्रैक भी सुनते हैं साथ साथ, एंड दिस वन इज अमेजिंग। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी
सबसे पहले जो आपने बताना है वो ये कि आज तक का सबसे अच्छा फैसला आपने क्या किया है। कोई भी बहुत सारे फैसले हम करते हैं ना जिंदगी में, देखें कोई भी फैसला हो सकता है जो बहुत अच्छा आपने फैसला किया, आपको लगता है कि मतलब भाई मेरा सर तो फखर से बुलंद हो गया, या आपके पेरेंट्स कहे तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया कि तुमने इतना अच्छा फैसला किया है ना। तो बेसिकली आपने बताना है कि आज तक आपने सबसे अच्छा फैसला क्या किया है, राइट। साथ साथ कुछ फैसलों का पछतावा भी हो जाता है ना हमें, तो पछतावा किस चीज का ये भी बताना है। सबसे अच्छा फैसला क्या किया है ये बताएंगे पहले, साथ साथ बताएंगे किस चीज का आपको पछतावा है, राइट। तो जल्दी जरा देख ले जरा खबरें क्या चल रही हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। तो भाई अब सर्दी का जो है वो जो सिलसिला चल रहा है मजीद अगले 3 रोज तक वो जारी रहेगा, और कहा जा रहा है कि अगले 3 रोज बदस्तूर कोयटा की हवाएं चलने का इम्कान है। ओके ठीक हो गया। तो ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो इनसे अपने आपको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने क्या करना है, ख्याल रखना है अपना, राइट। और साथ ही साथ कराची में ओमिक्रॉन केसेस की मजबूत शरह आने की जो फीसद है वो 15% से जायद है, यानी कि 15% से जायद अफराद जो है वो शिकार हो चुके हैं ओमिक्रॉन का। चलें जी अभी क्या करेंगे, अभी हम आपके स्टार्स की बात करेंगे। खबरें मेरे ख्याल से इतनी काफी हैं, इसके अलावा जो है वो सियासत से भरपूर है पूरा अखबार। तो बात करेंगे क्वेरीज की, क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी मुलाजमत की जगह होने वाली गैर मुतवक्के और नागवार तब्दीलियों की वजह से आपका दिल बुरा हो सकता है, लेकिन आपको हर हाल में पुरसकून रहना होगा, और आपका उन मामला से कोई ताल्लुक हो या ना हो, अगर आपको किसी भी किस्म की लड़ाई या तलखी से बचना है तो अपनी आवाज को दूसरों से बुलंद ना करें, खासकर जब आपके मद्दे मुकाबले आपसे सीनियर या उम्र में बड़े अफराद हो, तो फिर खास एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको भी अपने ख्याल दूसरों के सामने वाजे तौर पर बयान करने में मुश्किल पेश आ सकती है। अपनी गुफ्तगू में जो है वो नरमी पैदा करने की कोशिश करें, और दूसरों को अपना मती बनाने में मुश्किल पेश आने की वजह यह हो सकती है कि आपकी तरजीहात ही बेहतर ना हो। सो बात करेंगे हम पाइसिस की, पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
सो आज अपने अहले खाना की जरूरियात को नजरअंदाज करने और बयक वक्त बहुत सी मसरूफियात में मुलविस होने की वजह से आपके लाइफ पार्टनर आप पर बरस सकते हैं। सो अपने हालात को किसी बदमजगी से बचाने के लिए खामोशी अख्तियार करें और बात को बढ़ने से रोकें। आपको अपने बारे में कुछ मुश्किल फैसले भी आज ही करने होंगे कि जिसकी वजह से सख्त लड़ाई के इम्कान शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं और इसकी जद में आपके लाइफ पार्टनर आपके करीबी दोस्त भी आ सकते हैं जबकि मौजूदा पुराने ताल्लुकात भी टूट सकते हैं। आज हर हाल में जज्बाती शिद्दत पसंदी से बचें और अपनी सेहत की हिफाजत करने के अलावा अपने आप को मोहतात रवैये का आदी बनाने की कोशिश जरूर करें। बात करेंगे एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज अपनी तख्लीकी सलाहियतों और लगन से काम लेकर अपने कारोबारी और पेशा वराना मामलात में कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। अगर बात बहैसियत मजमू की जाए तो आपको हर उस शोबे में कामयाबी मिल सकती है कि जिससे मुतालिका अपने फराइज अंजाम देने की आप कोशिश करेंगे। ऐसे हालात में अपने मुखलिस और करीबी अफराद की तजावीज पर गौर व फिक्र करने की जरूर कोशिश करें। सो आज आपके जज्बाती ताल्लुकात मजीद इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। आज आपको किसी भी मामले में अपने प्यारों की मलामत करने से बाज रहने की कोशिश करनी होगी क्योंकि बज़ाहिर बहुत से बेहतरीन मौके आपके हाथ में नजर आएंगे जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होगा बल्कि उनकी वजह से ही आपको हर महाज पर पसपाई इख्तियार करना चाहिए और आपको ऐसा करना भी पड़ेगा। बात करेंगे अब हम टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो टॉरस वालों, आज आपके अलकाबाब में शामिल किसी खातून की जानिब से फैलाई जाने वाली किसी अफवाह की असलियत जानने के लिए आपको अपने वजदान से काम लेना पड़ेगा। आज रुपए पैसे के इस्तेमाल की वजह से मुमकिन तौर पर आपके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बाहमी गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा किसी सफर के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने में भी इख्तलाफ सामने आ सकते हैं। ऐसे हालात में आपका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ आपका एतमाद और जब्त तहमुली हो सकता है जिसे बरुए कार लाकर आप अपनी बहुत सी मौजूदा मुश्किलों से निजात हासिल कर सकेंगे। बज़ाहिर बहुत से मौके आपके सामने आ सकते हैं जबकि हकीकत में सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलें जी बात करते हैं जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज माली कमजोरी की बिना पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जबकि आपका मूड भी खराब हो सकता है। आपको सिर्फ अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और किसी भी बात पर शिद्दत पसंदी के जज्बात का इजहार करने से बचना होगा। इसके अलावा अपने दोस्तों से भी गर्मा गर्मी करने से गुरेज करें। आपको किसी खातून की नसीहतों पर अमल करने के अलावा अपने वजदान पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपकी हिकमत अमली या मनसूबाबंदी के दौरान आपको कोई परेशानी हो सकती है या कोई करीबी फर्द आपको जो है वो तावुन पेश करेगा अपना तो आपने तावुन हासिल कर लेना। सीधी सी बात है। बात करेंगे कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने तयशुदा मंसूबों खासकर अपने कारोबारी दौरे को मुलतवी करने की वजह से आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है जबकि आपके लाइफ पार्टनर भी आपसे नाराज हो सकते हैं। चूंकि कारोबारी तौर पर आपकी कामयाबी के इम्कान खासे कम है इसलिए अपने मामूलात की अदायगी में ही अपनी तवज्जो मरकूज रखें। अपने माली हालात के बारे में किसी तरह की परेशानी या फिक्रमंदी का शिकार ना हो क्योंकि ये सब आपके रवैये में तजब्जुब की वजह से ही सामने आएगा। अगर आपको खुद को गुजरे हुए लम्हात के असरात से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपने अंदर मौजूद जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करनी होगी ताकि जज्बाती माहौल को काबू में रखा जा सके। ठीक हो गया। चलें जी आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन कहां कहां से मौजूद और कौन है जो ढीठ है जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्ग नहीं करवाई। ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि बैटरी भी नहीं है और ऊपर से लाइट भी चली गई है। चलें जी कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट। अमर रमेश कुमार खत्री कहते हैं चनेसर गोड कराची से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताहिर खान कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अरे वाह आप आ गई, नहीं तो मुझे नहीं आना था, क्या आज छुट्टी करनी थी। अच्छा जी, मोहम्मद मोहसिन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, वेलकम इन शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। राजा साबिर कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। फराज कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा आज शो नहीं आएगा, खुदा का खौफ करो। क्यों तुम लोग ऐसे ख्वाब देखते हो कि आज शो नहीं आएगा, एक दिन छुट्टी कर लेते तो इतने तो तुम लोग ताने मारते मुझे। अच्छा जी, फराज कहते हैं प्ले डेट सॉन्ग प्ले कर दो, हैं ये कौन सा सॉन्ग है। अच्छा जी, मुन्नी मुन्नी कहती हैं कि अच्छा जी ठीक हो गया। साथ साथ मसूद साहब कहते हैं कि मरहबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मसूद साहब, कैसे आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। और फराज कहते हैं किसका कंगना आप तो पहनती नहीं हैं, हाँ तो फिर क्या हो गया। और मसूद साहब कहते हैं कि हर पल हर सू ZU, क्या बात है मसूद साहब, क्या ही बात है, मतलब क्या ही बात है। अच्छा जी, अब्दुल अजीज परीजो कहते हैं असलामुअलैकुम SF तमन्ना है,
आपके लिए इस तरह हस्ती, अच्छा कहते हैं कि नेक तमन्ना है कि आप इसके इसी तरह हस्ती बस्ती रहो। आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना कहती हैं, रुबीना क्या हाल है? रुबीना कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुराना जी और मेरे तमाम बहन भाई को सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। अब्दुल अजीज वाली जो कहते हैं कि हमने अच्छा फैसला किया है कि हम आपके साथ हैं आपके शो में, क्या बात है, जबरदस्त हो गया आपका, नहीं फैसला बहुत अच्छा बता रही हूँ मैं। और इसके अलावा जायद आकाश कहते हैं गुड मॉर्निंग अभिजान, गुड मॉर्निंग टू यू टू। जियाला खान कहते हैं कि मसूद अंकल कब से आपके शो से जुड़े हुए हैं, उनको प्लीज कोई इनाम वगैरह तो दे दें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम जो एक अवार्ड बनवाएंगे और जो है वो तमाम सारे लिसनर्स को पहुंचाएंगे। अच्छा, जितने हमारे साथ पुराने लिसनर्स जुड़े हुए हैं ना, सबको पहुंचाएंगे। और जुल्फ़िकार लासी कहते हैं कि अभी पहली बार शो सुन रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिदा हुसैन कहते हैं, अच्छा जाहिद हुसैन क्या हो गया, अच्छा जाहिद हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं माशाल्लाह वैसे फरहाना पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गई, लगता है कि ये वही फरहाना है या उनकी बहन है। अच्छा, रोजा खान कहती है अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल, थैंक यू सो मच। सिराज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मोहसिन लियाकत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, डियर मैम कैसी हैं आप? दुआ है कि रब्बे जुल जलाल आपको इतनी खुशी अदा फरमाए कि परेशानियों का मौका ही ना मिले आपके पास आने का। आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला की दुआएं कबूल फरमाए और ऑफ कोर्स आपके हक में भी और मेरे हक में भी। अब्दुल अजीज पहली जो कहते हैं कि आप बातें शायद आप बताएं कि शायद की तरह शायद की तरह समझ नहीं आया, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, क्या कहना चाहते हो? सलीम आबाद कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। सज्जाद हुसैन अंकल आ गए भी, अंकल क्या हाल है? सज्जाद हुसैन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी को, शो में खुश आमदेद। और प्यारी बेटी का शो आज भी हमेशा की तरह बहुत आला है और बेटी के शो में आ जाना बहुत मुबारक है, बेटी का शो बहुत अमेजिंग है। अल्लाह पाक आपको सदा खुश और सलामत रखे और दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए और आपको अपने वालदैन का फख्र बनाए। आमीन सो आमीन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। सज्जाद अंकल साथ साथ रूसा खान कहती हैं कि मैंने सबसे अच्छा फैसला ये किया है कि आपके शो में ना बाकायदगी से सुनूंगी। अरे वाह लड़की, ये तो सबसे अच्छा काम है, लिटरली सबसे अच्छा काम है, मतलब अच्छा जी। जाहिद आकाश कहते हैं अभी मेरा फैसला ये है कि मैं शादी के बाद अपने माँ बाप को अपने साथ रखूंगा कराची में। चलें जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने वालदैन का ख्याल है, एहसास है, आप उनकी खिदमत कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात है। सैयद शोएब हसन कहते हैं कि सैयदा मैं आपका शो पहली बार सुन रहा हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया शोएब, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और आबिल पेंटर यानी कि कनीस हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कनीस, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। फराज कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह यह है कि मुझे फ्री इंटरनेट और मिनट्स मिले हैं। अच्छा सही है, लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी बात है, छोटी छोटी बात पर खुश हो जाना चाहिए। गुलाबाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, और मैम मेरा स्टार बताएं। और आपका स्टार है 15 जून या जुलाई है, जुलाई आई गेस, कैंसर है आपका स्टार भाई। और साथ साथ लुकमान जिगर मल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप भी कैसी हो आप? माशाल्लाह आपकी आवाज सुन ली, मॉर्निंग बेस्ट हो गई, वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। सलमान खान कहते हैं शो नाइस है, थैंक यू सो मच। और मसूद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सैयदा फरहाना अली, मिस्री की डली आप कैसी हैं? अपनी आवाज से हमारे जहन पर सवार रहने वाली आरजे, और तो एक क्या तो एक फूल है खुशबू का, अच्छा कहते हैं तू एक फूल है खुशबू है, एक बस्ती है हमारे दिल में बसी, एक अजीम हस्ती है, तेरी महफिल की महक दूर तक जाती है, तेरी आवाज सदा चार सू बरसती है। अरे वाह क्या बात है मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, इतने खूबसूरत अल्फाज जो आप इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए। अमानुल्लाह खान कहते हैं कि हाय आबी फरहाना, मेरा स्टार बताना 13 मार्च, तो 13 मार्च का स्टार होगा होपफुली, ये है आपका स्टार पाइसेस। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है वो एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी करेंगे बातें। सो हम आपको सुनवाते हैं ये वाला ट्रैक, सो इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं। सही है, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, मजीद बातें करेंगे लेकिन इस ट्रैक के बाद, फिलहाल हम सुनेंगे ये वाला ट्रैक, दिस इज अगला बाली। ये वाला ट्रैक ना मुझे आजकल मतलब कोई इतना कोई अच्छा लगा हुआ है ना, मतलब
क्या कहें। सो चले जी वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। जब तक आपने कहीं नहीं जाना ना, कितनी बार बताएंगे, इतनी सी तो बात है कि आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी जाएंगे तो पछताएंगे। सो हम नहीं चाहते ना कि आप पछताएं, क्या ख्याल है। वो वापस आएंगे इसके बाद। स्टे ट्यून्ड।
कलब या हबीबी, हाल कलब या हबीबी, जलता बुझता कभी कभी तेरी तलब या हबीबी, कोई हूर न पुर कर दी मिला मिला दिल माया, तू है मेरी जिंद माया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माया, तू है मेरी जिंद माया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार। समंदर डूबूं तेरी दीद ने हद कर दी, मिला मिला दिल माया, तू है मेरी जिंद माया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माया, तू है मेरी जिंद माया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार। हबीबी 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 कर गई तेरी निगाह की असर कर गई, झूठ नहीं सच बोलूंगा, हुस्न का पर्वत सर कर गई, मुझे हाजरी देने दे, कुछ कागजों पे लिख दूं तेरे नाम के आखिर अपना, ये नाम जरा मैं लिख दूं, हाल कलब या बीबी, जलता बुझता कभी कभी तेरी तलब या बीबी, कोई हूर न पुर कर दी मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया। मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया, तू है मेरी जिंद माहिया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया। कौन कितना कामयाब है यह सितारा नहीं बताता, कामयाबी तो हम खुद डिसाइड करते हैं ना कि हम कितनी मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत ना करें और हम ये सोच के बैठ जाएं कि चलो भाई हमारा सितारा कामयाबी वाला है, तो मतलब हम तो ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे, मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो कभी भी कोई भी चीज आपको प्लेट में सजाकर नहीं मिलती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करने के बाद ही जब आप कामयाबी हासिल करते हैं ना, तो उसका तो मजा ही कुछ और है। और जिन लोगों को भाई प्लेट में रखकर चीजें मिल जाती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना एंजॉय करते होंगे अपनी सक्सेस को।
साथ साथ रुबीना कहती पता है फरहाना, मैं इन सितारों को नहीं मानती क्योंकि आप एक्वेरियस के बारे में जो भी बताती है ना, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। अजाला खान कहते हैं वैसे तो अल्लाह पाक ने आपको काफी कामयाबियों से नवाज रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। रुबीना कहती है अरे हटाओ ये सॉन्ग, इससे बेहतर है कि ओल्ड सॉन्ग लगा लो। चले जी हम ना बैकग्राउंड में गाना सुनते हैं, वो कौन सा, रफ्ता 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 सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। चलो सुनते हैं। ओके और आजकल पता नहीं क्यों मेरा गला बड़ा अजीब हो रहा है, और लेट्स सी के हाउ कैन वी प्ले फ्रॉम हेयर। ओके सो यस यस हियर वी गो, सो चलें जी इसको प्ले कर देते हैं यहाँ से। सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। तो भाई आज के जो टॉपिक है वो बता देते हैं ताकि आप लोग जब कॉल पर आए ना तो कोई ये ना कहे कि हमने तो टॉपिक ही नहीं सुना। सो दिस विल नॉट बी बेयरेबल राइट। सो आज तक का सबसे अच्छा फैसला आपने क्या किया ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, साथ साथ बताएंगे कि किस चीज का पछतावा है। हाँ भी बता दें, रुबीना कहते हैं यार बहाना पता नहीं क्यों आज सुबह से गुस्सा आ रहा है, लगता है कि कोई कुटेगा मेरे हाथों से। ना करें, कभी कभी वजूहत हमें नहीं पता होती कि क्यों हमारा मूड खराब है या क्यों हमारी जो है वो यू नो हमें गुस्सा आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं समझ आता, बट इट्स ओके कंट्रोल योर सेल्फ। जुबैर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, क्योंकि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होता, हमेशा गुस्सा नुकसान ही पहुंचाता है। गुस्सा बिला वजह गुस्सा करेंगे किसी चीज पे, अपना नुकसान होता है, वैसे खून जलता है अपना, अगर किसी पर गुस्सा निकाल देते तो आप जो उसके दिल में सुराख करते हैं ना, मतलब ठीक है कुछ लोग डिजर्व करते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए ना। काशीवादी वाले कहते हैं माशाल्लाह आबिद भाई की बेटी का कामयाब ऑपरेशन हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वाला खैर, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। 02135305787 इज द नंबर टू कॉल, सो आप लोग कर सकते हैं कॉल, जो के हैं सिर्फ नए नवेले लोग जो पहली बार मेरा शो सुन रहे हैं, जिनकी उम्र है 40 साल से ज्यादा, जो के हैं लड़कियां, बचा कौन, वो जो पुराने हैं, है पता तेरा दीदार कर। सो रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। राजेश कुमार वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं कि सैयद फरहान अली जी कैसे हैं आप, ठीक हूं मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ अली वाले कहते हैं आपको इतनी बार कहा है कि बताकर गाया करें ताकि हम अपने कानों की हिफाजत कर लें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा और भाई फराज ऐसी कोई स्माइली नहीं, स्माइलीज नहीं होती, इमोजीज हैं बाय द वे, ये वो जो आईब्रोज रेज करके ना, देखिए हुकूमत की आईब्रो रेज होती है, सबकी आईब्रो रेज होती है, फरहाल तुम भी अपनी आईब्रोज रेज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सो चले जी कॉल को शामिल करते हैं, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर, एंड द वेरी फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फरहान अली? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा प्लीज। आपकी आवाज कम आ रही है, ये हथौड़ी की आवाज ज्यादा आ रही है, तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं कि आपकी आवाज आए हमें। अजीम बात कर रहे हैं, से अजीम बात कर रहे हैं, कैसे मेरे भाई आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मेरे दुआ है आपके। क्या कहेंगे मेरे भाई, आज तक सबसे अच्छा फैसला क्या किया है आपने? मैंने तो फैसला ये किया कि आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया, और इसमें मुझे ये मालूम हुआ तो थोड़ा बहुत ठीक किया। अच्छा आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आपके बैकग्राउंड में इतना शोर है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं।
तो आप किसी ऐसी जगह पे दो मिनट के लिए बाहर चले जाएं ताकि थोड़ा सा सुकून से आप बात कर पाए। सो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। सानिया सानिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सानिया? मेरे हाल बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और उरूसा ने कहा कि उरूसा क्या कह रही है कि जब आपका एक्सीडेंट के बाद जो आपने पहले शो किया था उसके बाद से मैं आपको सुन रही हूँ। ओके लड़की, क्या बात है, यानी कि सितंबर से सुन रही है आप। कुछ तारीखें याद रह जाती है ना, तो एक तारीख वो भी थी जो मुझे याद रह गई, 16 सितंबर। ऑन दैट डे आई मेट एन एक्सीडेंट, सो वो तारीख मुझे याद रह गई। कुछ तारीखें याद रह जाती है ना। चलें इस पे ना कल रखेंगे टॉपिक, सही कौन कौन सी तारीखें याद रह गई आप लोग कल बताएंगे, मुझे याद दिला दीजिएगा मैं भूलू ना। और इसके अलावा मुझसे किसी ने नहीं पूछना, मैंने बता दिया आज, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चलें जी लेट्स सी कौन है हमारे लाइन पर। एंड अच्छा जी कॉल ड्रॉप हो गई है गेस दोबारा। चलें जी खैर है, दोबारा कॉल आ जाएगी। लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अल्लाह की कर नवाजी है जी, दुआ है अल्लाह से कि आप अल्लाह आपसे राजी हो जाए। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या हाल है हबीब अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरे से हैं? परवेज अंकल सॉरी परवेज अंकल, मैंने आज जो है ना वो फुफ्फू आईडी वाला जुमला मैंने चेंज करके बना दिया। हाँ जी बिल्कुल जी परवेज अंकल। बेटा मेरी जो है जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ये था कि मैंने दावरू तबलीग ज्वाइन करी 2015 में। अच्छा, तो जब से मैं इंसान बन गया। अच्छा ठीक हो गया, जबरदस्त। और इसके अलावा किस चीज का पछतावा है आपको? बेटा पछतावा इसका है कि मैंने अपनी अम्मा की और अपने वालिद साहब की जो है वो तीमारदारी नहीं करी या वो खिदमत नहीं करी जो मैं करना चाहता था। सही ठीक हो गया। और अब पछता रहा हूँ। पछता रहे आप, सही। चलें जी आप बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ कीजिए उनके लिए। जी बेटा बिल्कुल। और जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। लहु निमित आप लोगों का जैसे आदमी ना लंबे लंबे यार, मुझे ऐसे तक कर दिए, पता नहीं आप लोग बेटा इस तरह बर्दाश्त कर लेते। चले जी अंकल खैर है, कोई नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह ताला को बहुत खुश रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके ठीक हो गया भाई। मसूद साहब कहते हैं कि क्या गुस्सा हराम है सरफराज की हमेशा, क्या हमशीरा को दुरूद पाक का विर्द करना लाजिम है? बेशक। तो हुआ है असर ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं। सो द सॉन्ग इज साउंड्स डिफरेंटली टुडे, आई डोंट नो व्हाई, समथिंग इज डिफरेंट इन द सॉन्ग। अच्छा जी जाला खान कहते हैं आपको पता है कि सितारों का इल्म और इल्म नजूम सबसे पहले किसने फैलाया था? शैतान ने इंसान का रूप धार के, बेशक। अच्छा जी ठीक हो गया। साथ साथ अगर जब भी आप कोई बात कहते हैं ना तो पहले आप रेफरेंस लाया करें, जो ऑथेंटिक रेफरेंस होता है फिर आप उसके हवाले से बात किया करें, ठीक है? वरना कोई ऐसी बात ना करें जो कि कंट्रोवर्शियल बने बाद में, जिस चीज के बारे में आपको इल्म नहीं है या आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातें करके यहाँ पे ना सुनाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट? तो ये मुल्क में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सियासत में ठीक है चीजें, हमारे शो को कंट्रोवर्शियल ना बनाए खुदा का वास्ता आप लोगों को। जुल्फिकार लासी कहते हैं कि अभी क्या लेट आया तो बहुत मजा आया, दिल कर रहा है कि किसी को परेशान करूं, बस एक बार पता चल जाए कि ये कौन सुकून से जा रहा है जी रहा है। मतलब अच्छा लोगों को ये भी मसला है कि अगर कोई खौफ, मतलब किसी को कोई सुकून है तो क्यों है उसको सुकून, वो सुकून से ना रहे, ये भी लोगों को परेशानी है। जो लोग दूसरों का सुकून बर्बाद करने की कोशिश करते हैं वो खुद भी सुकून में नहीं रहते। जुल्फिकार मेरे भाई तो ना करो ऐसे काम। जुबैर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ गजम्फर अब्बास कहते हैं, गजम्फर क्या होता है, गजम्फर अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सईदा फरहान अली जी, नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके साथ साथ मौसम लगा कहते हैं टॉपिक पर, मेरा यह फैसला है कि एक शादी कर ली है अब दूसरी नहीं करनी, बेशक एक कर ही होकर रहना है। बेटा एक कर ही होकर रहना, वो क्या कहते हैं मोहब्बत में तो तफरुक का भी बर्दाश्त नहीं होता है ना। सो फराज कहते हैं कि मूड खराब कर दिया कसम से, फ्री इंटरनेट से भी खुशी हुई थी।
वो खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हुई है। उरुसा खान कहती है अभी आपके शो में ना कल फरहान या फरहत खटक के नाम से ये कॉलर आए वो फेक हैं। हर शो में नाम चेंज करके हाँ मैं जब देखे ना हम पहचान जाते हैं सबको। कहते हैं कि सज्जल लाबी के शो में वो नवेद के नाम से आए थे, देखें बस यही बात है ना, और हमें पता है कि वो कौन है। अमानुल्लाह खान कहते हैं कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं करती, अगर मुझे आपके कमेंट्स नजर आएंगे तो इल्माल लड़की में जरूर शामिल कर लूंगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भट्टी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेरा जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। कहते हैं कि बशीर मेमन साहब ने जिस गाने की फरमाइश की थी उसके बोल में सलामत रहे तू बहारों में यूं ही तेरी जिंदगी को नजर न लगे, खुदा तुझको हर गम से महफूज रखे, मेरी लाडली को नजर न लगे। आवाज है नैयर नूर की, फिल्म है मिस हिप्पी सभी खाना पर फिल्माया गया था, फिल्म की कास्ट में शबनम नदीम संतोष कुमार मुनव्वर जरीफ और नाजली शामिल हैं। नाजली, ओके नाजली, अच्छा नाम है नाजली। नाजली से वो एक ड्रामा याद आ गया मुझे। चलें जी खैर कॉल्स को शामिल करते हैं, कॉल कौन देगा भाई, हमने शामिल करनी, हमने कौन सा अलग बंदा रखा हुआ कॉल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा प्लीज। राहिद कराची औरंगी टाउन से। सॉरी राहिद। राहिद, ओके राहिद, अच्छा नाम है आपका राहिद, बहुत शुक्रिया। कैसे आप, ठीक है खैरियत से मेरे भाई? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह के एहसान है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जी मेरे भाई क्या कहेंगे टॉपिक पे, टॉपिक सुना आपने? जी टॉपिक तो मैंने सुना और टॉपिक पर मैं यही कहूँगा कि जिंदगी का सबसे पहला और मतलब अच्छा फैसला मैंने यही किया कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। झूठ बोलना छोड़ दिया, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा किस चीज का पछतावा है आपको? जी पछतावा तो मुझे किस चीज का भी नहीं, किसी भी चीज का नहीं है, जबरदस्त ये चीज। ओके और कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? सब सुनने वालों को मेरा सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे। लहाफ़ेज़ लहाफ़ेज़। ओके चाहिए नैना को चुराइए तक के ना मर जाइए नैना को चुराइए। रुबीना कहती है यार फरहाना नुसरत फतेह साहब को अभी सॉन्ग सुना दो। ओके वो सुनाए कि सीधा यार ना बिछड़े। नदीराम दौदा कहते हैं कि फरहान अली जी हंसते हंसते नमस्ते, शो में शामिल हो गए, जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। चैलेंज कॉलर को भी शामिल करते हैं, लेट्स सी ये कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके चलें जी, कोई खामोश है, जो भी खामोश है चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हवाएं ले जाएं तुझे कहां, हवाएं हवाएं, लेट्स सी हु हैव विद अस ऑन द लाइन राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदीर अहमद बात कर रहा हूं, करंगी कराची से। जी कदीर अहमद मेरे भाई, आपसे पहली बार बात हो रही है? नहीं, मेरी बहुत दफा आपसे बात, बहुत दफा बात हुई है। अच्छा तो फिर एक काम आप करिएगा, आप थर्सडे को कॉल कीजिएगा क्योंकि आपसे बहुत बार बात हो चुकी है, आज तो हम सिर्फ नए लोगों को मौका दे रहे हैं। सही है, कैसी गल होगी यार, मेरी आपसे बात महीनों बाद हो गई। ए हुई गल है मेरे ब्रा, सही है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। पता नहीं कहाँ से आ जाती है मुझे पंजाबी ऐसी, समझ नहीं आता। अच्छा जी मौसम नगर कहते हैं कि क्या आंदा जानदा नजर ना आवे एंज पावे रुसे रवे प्ले कर दें। ओके इमरान करीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, लेट सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खुशी आ गई, खुशी 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 जी आ गई। देखो आपने अंदाज से मुझे खुद ही हंसी आ गई, और बताओ लड़की कैसी हो, ठीक हो खैरियत से हो? सॉन्ग है ना, आ गई मैं आई पिया ले ले मुझे बाहों में, पर आप तो नहीं बोली। सही है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हाँ जी कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी सी यार सी कसम से हमारी आदत बना के और आवाम को इतनी बढ़ा दी ना कि हमें कोई मौका ही नहीं दे रहा। क्या करें, अच्छी बात है, कोई महरूम नहीं रहना चाहिए मेरे शो से, एक एक बंदा पाकिस्तान का मेरा शो सुने, कोई भी महरूम रहना ही नहीं चाहिए। तो फिर हम आराम से सुनेंगे चारपाई पे कंबल में। नहीं नहीं सबकी कॉल लगेगी, बेफिक्र रहो, कॉल लगेगी सबकी, बस कोशिश करेंगे वेंसडे को। पर
नहीं कल मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी करे सर, आना लगी नहीं मेरी वो। और आदित्य साहब की बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं। चलो जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगी भाई, सबसे अच्छा फैसला क्या है आपका आज तक का? यही है यार जो सब कह रहे हैं वही मेरा भी है, ZU आने का फैसला। अरे वाह लड़की वाह, दिल खुश कर दिया मतलब खुश। अरे मेरा नाम ही खुशी है तो बस, तुम्हारा काम यही लोगों को खुश करना, खत्म बात। और नहीं तो क्या, और बताओ और किस चीज का पछतावा है? किस चीज का पछतावा है? पछतावा तो बस यही है कि आपसे बात क्यों कर रही हूँ। ये पछतावा है ना, करो यार ना करो। हाँ नहीं अभी माशाल्लाह मेरे दिल बहुत जरा ठीक हो गया है, पहले की तरह अब नहीं रही। समझ जाता दिल, ये पहले जो था ना मैं रात दिन बस आपको यूट्यूब पर देखती थी। अच्छा हाँ अभी बेहतर हो गया है। और हाँ फराना आज जो वर्गो वालों ने बिल्कुल साफ साफ बात कर ली, वर्गो वालों ने। हाँ साफ साफ बात करूंगी। हाँ नहीं नहीं कर ली। अच्छा हाँ सही हो गया, ठीक हो गया। वर्गो वाले कौन है वैसे? मैं हूँ। आपका स्टार वर्गो है? वाओ यार जबरदस्त। 7 सितंबर आपने बताया था मुझे, क्या पता। हाँ मैंने बताया था, मैं भुलक्कड़ भूल जाती हूँ, अपनी बर्थडे याद नहीं रहती, वो तो आप याद दिलाते हैं मुझे। अच्छा और वैसे मजे की बात है तुम्हारी भी 7 ही है, मेरी भी 7 है, तुम्हारी भी 7 है ना? अच्छा हाँ हाँ यही तो है, सही हो गया 7। और साथ साथ और क्या, इसलिए हम दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा की तरह, हमेशा इंशाल्लाह। और क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई नई ताजी बता दो। 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद आई हूँ लड़की, कुछ तो नई ताजी बता दो। मैं पूछना ये चाहती हूँ आपसे कि क्या खाया है और सालगिरह के मौके पर क्या खाया है? यार मैं बहुत पता नहीं क्या, कुछ अजीब सी मेरी हालत थी। I was not feeling well on my birthday actually, तो बड़ा अजीब सा दिन गया, बस केक वे काट लिया, खाना खा लिया, बस यही किया, बस इतना ही किया। शायद आपको नजर लग गई हो सकता है। I was not feeling well, बिल्कुल मतलब मैं बहुत डाउन फील कर रही थी उस दिन बहुत ज्यादा, फ्राइडे को। अच्छा अल्लाह ताला खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ मैं, बस हो जाता है कभी कभी। और बस जबरदस्त मजे में, याद रखना आपके लिए बहुत सारी दुआएं, परेशान मत हो, कुछ खुश भी हूँ, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान नहीं हो, बस खुश रहो, परेशानियाँ दुम दबा के भाग जाएंगी। दुआ में याद रखे तमाम सुनने वालों को, बस जबरदस्त बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा ठीक है। अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब साये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी प्यारी बेटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सज्जाद अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या बात है मेरी बेटी की। हाँ जी अंकल बहुत अच्छा लगा, मैंने आज सुबह से तैयार कर रखा था ना, आज बेटी को लाजमी कॉल करनी है, कर करके मैं रोजाना करता हूँ लेकिन कॉल मिलती नहीं बेटा। सही बात है अंकल, मुल्क जो है ना पता करना आसान है बेटी को यकीन करो। अच्छा सही है, मेरी बेटी की कॉल पे इतना रश होता है ना। हाँ जी के यकीन करो कि बस मुल्क फतह कर सकता हूँ मैं लेकिन कॉल नहीं लगती, कॉल नहीं लगती। चले ठीक है कोई नहीं। और बताइए अंकल कैसे हैं आप? माशाल्लाह मेरी बेटी का शो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अंकल, दिल बाग बाग हो जाता है। जज़ाकअल्लाह। मेरी तरफ से आपके वालदैन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, इतनी अच्छी परवरिश बेटी की है। जज़ाकअल्लाह।
कोई इतना शक नहीं है आपकी परवरिश में जी। कोई जलता है, कोई गलत बात करता है तो फिर वो उसकी गलत फहमी है जी। लेकिन बेटी इस काबिल है। एक बात तो ये है कि जितनी भी आपके लिए तारीफ करता हूँ ना बेटा जी जी, इतनी तारीफ मेरी बेटी उमैरा के लिए है जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों मेरी बेटी है। मैं आप दोनों को शौक से सुनता हूँ जी, हमेशा सुनता हूँ और जब तक मेरी जिंदगी है आप सलामत रहें इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी हमेशा दुआएं रहे आपके साथ रहेंगे। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो बाकी बेटा पछतावा तो जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है जी। पछतावा तो जिंदगी में शुरू से लेकर आज तक 52 साल का हो गया, मैं अभी तक कोई पछतावा नहीं देखा मैंने। जबरदस्त, अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि कोई अच्छा काम, अच्छा फैसला किया हो आपने। हाँ अच्छा फैसला, अच्छा फैसला तो जो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में अच्छा फैसला समझो यही ये था कि मैं मेरे वालिद साहब, वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ ले गए तो मैंने अपने हाथ से उनको गुसल दिया था। क्या बात, ये मेरा समझो कि एक अच्छा फैसला था जिंदगी का। बिल्कुल, और हर इंसान को भाई जब तक वो किसी और को गुसल ना दे, किसी मुर्दे को, उसमें भी जो है ना उसका भी किसी पे फर्ज नहीं है कि कोई उसको गुसल दे मरने के बाद। अल्लाह की शुक्र है मैंने अपने वालिद मोहतरम को, मुझे इस पर फख्र भी होता है, अपने वालिद मोहतरम को जनाब मैंने खुद कफन दिया, खुद गुसल दिया माशाल्लाह। उसके बाद मैं खुद गुसल करके फिर गया, जब जनाजा हो गया फिर कब्र में अपने हाथ से उतारा उनको कब्र में। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। बाकी बेटा आप बहुत सारी दुआएं मेरी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह माशाल्लाह बेहतरीन शो पेश करती हैं आप। जज़ाकअल्लाह। और रमजान मलिक साहब हैं जी जी, अनवर जावेद भट्टी साहब हैं, एहसन रजा साहब हैं, काशिफ अली मलिक साहब हैं जी, आवद अमीर साहब हैं, उनकी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं आवद अमीर साहब के लिए, बेटी के लिए, वो भी हमारी भी बच्ची है, हमारी भी बेटी है क्यूट सी जी जी। अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। और अंकल मेमन बशीर साहब जो हैं जी जी, क्या जबरदस्त आला इंसान है, बेशक अपना आपके स्टूडियो में तशरीफ लाए थे ना जी जी, तो क्या अच्छी जबरदस्त बात है। आपने काफी जनाब माशाल्लाह उनकी आंखों की तारीफ की थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने आंखों की तारीफ पेज की थी ना। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं तो एक छोटी छोटी बात आपकी नोट करता हूँ और सुनता हूँ शौक से, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाकी वो बड़े इज्जत वाले इंसान है, जो बेटी को इज्जत दे ना जी जी, मेरी नजर में वो आला इंसान है, बहुत आला बेटा, बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, मेरी और मेरा बेटा फरहान है जी जी, फरहान बेटा है, उनको सलाम पेश करना मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से। और बेटी खुशी आती है जी, खुशियां बखरती है जी। और मिसेस फारूक साहब आए, उनको सलाम पेश करना मेरा। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, रफ्तार रफ्तार सनम तुमसे मिली। सो पश्मीना शेर कहती हैं अभी जी के आपका घर में सब कैसे हैं, वो रफ्तार रफ्तार सॉन्ग, वाओ रफ्तार रफ्तार सॉन्ग, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह घर में मेरे सब ठीक हैं। और ये जो आंखों की बात की ना, एक्चुअली आईज अट्रैक्ट मी, the beautiful eyes, as I have of course I know। so hota hai kuch logo ko jo hai wo kisi ki smile attract karti hai, kuch logo ko aankhein achhi lagti hain, to aankhein jo hai na wo insaan ki shakhsiyat ka aaina hoti hain। so aapki aankhein batati hain ki aap kya hain, agar to aapko aankhein padhna aati hai, I know how to read। सो ओके, अली रजा कहते हैं कि सच में आप ना आपने रोजा रखा था अपनी बर्थडे वाले दिन, रोजा नहीं रखा था मैंने, मैंने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन। और जियालो खान कहते हैं, मैंने पूछा था कि सिस्टर आपके स्टार का माह कौन सा बनता है, इट्स जनवरी, रफ्तार रफ्तार 7 जनवरी बनता है, स्टार का माह कौन सा बनता है, मतलब
मसूद साहब कहते हैं फराज वो मेरा कमेंट किधर गया, तुम्हारे निकाह के कबूल नाम वाला है, क्या चल रहा है यहाँ पे। फराज कहते हैं कि एक काम करो ये सॉन्ग चलने दो 11 बजे तक, आप कुछ भी नहीं बोलो। ओ माय गॉड, काश मुजारी कहते हैं गुड मॉर्निंग सैयदा फरहान अली जन्नत, जीती रहो खुश रहो सदा सलामत रहे आप, अल्लाह आपसे राजी हो, बहुत शुक्रिया जजाकअल्लाह, अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। सानिया सानिया कहती है हाँ अभी ये आइडिया अच्छा है सॉन्ग चलने दे। चले जी कौन और को शामिल करते हैं, लेट्ची की कौन है हमारे साथ लाइन पर, एंड अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम, सैयद शौकत आलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी शौकत आलम मेरे भाई कैसे हैं, आपसे पहली बार बात हो रही है? सेकंड मरतबा। अच्छा जी मेरे भाई आप थर्सडे को कॉल कर लीजिए, आप हम इस उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो पहली बार कॉल करेंगे आज, सही है? ठीक है। चलें बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ओके चलें, ये लोग जो समझ जाते हैं ना बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर, एंड अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैंने हजारों बार बात की थी पर आज फिर कोशिश कर ली। क्या बात है रजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है भाई, आपने आज पछतावे की बात की है तो हमें दुख और तकलीफ के साथ ये जुमला कहना पड़ रहा है कि हमारे नसीर साहब हैं, शाह साहब हैं और हमारे दीगर पुराने लिसनर हैं, हम उनको अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से कहते हैं कि भाई वो 98.2 पे आए और हमारे को अपनी आवाज से मुस्तफीज करें ताकि में कुछ अवेयरनेस पैदा हो, हमें बात करने का सलीका और करीना आ जाए। ठीक है, और हमारे अभी सज्जाद साहब आए थे, हंसी खुशी खुशी आई और उन्होंने खूबसूरत बातें की और आपने आंखों की कॉल ड्रॉप हो गई है रजा साहब की, मैंने बाखुदा मैंने ड्रॉप नहीं की है ये कॉल, पहले बता दूं मैं। आप लोग कहते हैं कि मैं कॉल ड्रॉप करती हूँ तो मैं किसी की कॉल ड्रॉप नहीं करती, अगर मैं कॉल ड्रॉप करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने कॉल ड्रॉप की है डंके की चोट पे, सही है। सो जो मैंने काम नहीं किया वो तो मैं नहीं मानती, जो मैंने काम किया अगर मैं मेरी कोई गलती भी है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो मैंने नहीं किया मैं वो नहीं मानती, ठीक है ना। सो लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हबीब अंकल बात कर रहा हूँ। क्या हाल है हबीब अंकल, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दुआएं दुआएं बेटा आपकी, बस मैंने तो सोचा था कॉल नहीं करूंगा, प्रोग्राम खराब हो जाता है सुनते सुनते कॉल मिलाते हैं। चलें आप ना वो एक नन्ना मुन्ना वाला मोबाइल भी रख लें अंकल। खरीदा था मैं तो, वो चोरी करके ले गए, वो भी चोरी करके ले गए, गाड़ी में लेटा हुआ था मैं, बस वही उठा के ले गए। मतलब ये बेचारे ये लोग मतलब इतने जो है ना इतना इनकी इतनी कड़की चल रही है कि वो छोटे छोटे मोबाइल भी लेके चले जाते हैं। वो तो 70 रुपए नहीं छोड़ते, पिछले दिनों 24,000 से बेचारे मोबाइल भी ले गए, 70 रुपए जेब से ले गए, 70 रुपए भी ले गए। हाँ मतलब उन्होंने सोचा होगा चलो दो रोटियां लेकर ही खा ले हम, सही है। बेटा ये सॉन्ग आपने इंग्लिश सुनाया ना, सर से गुजर गया, कह रही नहीं नाना नहीं नाना, क्या था वो? नहीं वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो ये मेरा बीजीएम है शो का। नहीं पूरा साउंड चलाया। हाँ वो मैंने सॉन्ग चला दिया था पूरा, मैंने कहा चले आज पूरा बीजीएम सुन ले, सुना दो पुराना जो दर्द मिला अपनों से मिला। चले मैं लगा दूंगी, जो दर्द मिला अपनों से मिला। आप अंकलों की फरमाइश भी कभी कभी पूरी कर दिया, मैं करती हूँ अंकल, अंकलों की तो फरमाइश पूरी करती हूँ मैं, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से क्या, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे, दिया फूलों ने दिया कांटों से शिकायत कौन करे, सही बात अंकल, बात तो सच है, क्या करे। सही हो गया, पुराना गाना ठीक हो गया, दौर का जबरदस्त हो गया। दूसरा पछतावा बस है एक बात का, तो आंटी ने मना किया था बताना नहीं था मगर मैंने शो कर दिया, उस चीज का पछतावा है, दूसरी शादी का ना। अच्छा तो बस इस बात का काफी पड़ा हुआ। अच्छा तो मैं आपने शो नहीं करना था, बस वो पछतावा अभी तक चली रहे 10 साल। अच्छा तो ये बस कोई मसले मसाइल के तो ठीक है, आप कहते क्यों किया, मैंने तो मजाक में बोला था, तो मैंने बोला मैं भी मजाक कर लिया भाई। सही है, ठीक हो गया, इंशाल्लाह आइंदा यही सोचा है ना, किसी मेरी जात से किसी को तकलीफ देनी है ना होगी इंशाल्लाह, बस हम कोशिश सब यही करें तो फिर सब मेरे ख्याल से जिंदगी आसान हो जाएगी हर इंसान की।
बहुत बेटा बहुत चलिए बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अंकल अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे अल्लाह हाफिज ओके चलें जी गाना चेंज कर देते हैं और गाना हम अब प्ले करेंगे कौन सा वो वाला गाना भी तो था ना एक चलें जी ये वाला गाना अच्छा है लेट्स सी ओके 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 सो हाँ जी दिस वन इज अमेजिंग एंड लेट्स सी के हु हैव विद अस ऑन द लाइन राइट चेक कर लेते हैं लेट्स सी ये कौन है लाइन पर अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन है हमारे साथ शाहजहान शाहजहान आप प्लीज जो है वो कॉल कीजिएगा थर्सडे को सही है आपसे कल बात हुई है हमारी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच ओके सो आज सिर्फ और सिर्फ नए लोग आएंगे मैं पहले ही बता दूं दोबारा से अगर आप लोगों को नहीं पता जो पहली बार नहीं सुन रहे हैं सुनते हैं फिर भी उनको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि आज सिर्फ और सिर्फ नए नवेले कॉलर्स आएंगे Let's see कौन है हमारे लाइन में फिर कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है कैसी हो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सुनाइए कैसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी नाम बता दें जी बुशरा बात कर रही हूँ बुशरा बात कर रही है बुशरा आपसे पहली बार बात हो रही है तो बुशरा क्या करती हैं आप बस घर में घर में सही है सही हो काम करते आज घर में अच्छा आज घर में ठीक हो गया हाँ तो बुशरा कब से सुन रही है मेरा शो कितना टाइम हो गया शो सुनते सुनते एक साल हो गया फिर बीच में छोड़ दिया दो तीन महीने नहीं सुना फिर बकरे से शुरू करा अच्छा एक साल लड़की ये जो तुम ये बताओगे कॉल एक साल बाद आज कर रही हो है कॉल ही नहीं लगती अब क्या करें चलो सही हो गया आज तो कॉल लग गई मजेदार सी मजा आ गया हाँ कब से मिलाए जाए उठा ले अच्छा तो बुशरा क्या कहेंगी आज तक का आपका सबसे अच्छा फैसला क्या है आज का मेरा सबसे अच्छा फैसला बस लोगों के पीछे कम भागना लोगों के पीछे कम भागना एग्जैक्टली जब आप लोगों के पीछे भागते हैं ना तो वो आगे भागते हुए पीछे मुड़ के देखते जरूर है लेकिन वो फिर आपको कुछ नहीं समझते जी अब बस कम ही भागना है वो भागते हुए आपको पीछे मुड़ के देखते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे फिर पीछे पीछे लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते आपको वैल्यू नहीं देते है ना जी तो बस किसी के पीछे नहीं भागना है एटीट्यूड लाओ लड़की थोड़ा अपने अंदर सही है ठीक हो गया और पछतावा किस चीज का है पछतावा बस यही है बस लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए था लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए था ठीक हो गया अब नहीं भाई अब अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे सही है जबरदस्त हो गया ठीक हो गया आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ कहेंगी और बस सब सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम चलें जी वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया दोबारा मिलाते रहेंगे हाँ जी जरूर आपकी दोबारा कॉल मिल जाएगी इंशाल्लाह सही अच्छा लगा आपसे बात करके दोबारा कॉल करती रहेगा ठीक है चले ख्याल रखिएगा अपना वालेकुम अस्सलाम अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ओके ओके अच्छा जी जवला खान कहते हैं 5% बैटरी रह चुकी है अभी ऑफ हो जाएगा मोबाइल मेरा चलें कोई नहीं खैर हो गई और काशिफ अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सईदा फरहान अली बेटी मैं आपका काशिफ अंकल बात कर रहा हूँ कैसी हो बेटिया मेरी दुआ है कि सदा सलामत रहो वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और साथ ही साथ ओके और जवला खान कहते हैं नन्ना मुन्ना मोबाइल हा 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 हाँ वो छोटा सा कीपैड वाला फोन होता है ना काशिफ अंसारी कहते हैं मैं तो अभी काम से जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज चलें जी आप अपना काम निपटाइए रुबीना कहती हैं होए जो दर्द मिला राइट अपनों से मिला और साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं अगर जल्दी आ गया तो मैं कमेंट करूंगा जरूर जी टाइम हमारे पास अभी 25 मिनट बाकी है शो में 25 मिनट बाकी है कॉल्स को शामिल करेंगे और साथ साथ आपकी बातें भी करेंगे सानिया सानिया बहुत शुक्रिया जाहिद आकाश कहते हैं जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से क्यों कौन शिकायत करे शिकायत कौन करे लवली सद्दाम गुल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाइस टू फ्रॉम कंधकोट से कैसी हो बाजी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल अब्दुल अजीज पाली जो कहते हैं वही पुराने पर्सन से बातें करते हो ये तब्दीली तो नहीं हुई
पुराने पर्सन से बात करते हैं। फरहास कहते हैं फरहाना मेरी आईस में देखूं पूरा समंदर नजर आएगा सच में, तो मैं काम करूं मछलियां पाल लो। मछलियों को भी घर मिल जाएगा, तुम्हारी आंखों में भी आबादी हो जाएगी। सही है ना, सही है। चलो देखते कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? उमेर कुरैशी। कौन से कुरैशी? सॉरी, उमेर। उमेर कुरैशी, क्या हाल है उमेर? कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहली बार बात हो रही है जी। तो क्या करते हैं उमेर आप? एलईडी बल्ब का काम। अच्छा, ठीक हो गया जी। उमेर क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? टॉपिक सुना था यार। आज तक का सबसे अच्छा फैसला क्या है आपका? आपका आज तक का सबसे अच्छा फैसला आपने क्या किया है? अपना घर संभालना। अपना घर संभालना, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा किस चीज का पछतावा है आपको? अपनी अम्मी जान को खो देने का। अम्मी जान को खो देने का, बिल्कुल बेशक। माँ का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं इस दुनिया में। और सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? और राज़ी उल्फत का सॉन्ग चला देंगे। राज़ी उल्फत का ओएसटी हम प्ले नहीं करते, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कोई और गाना अगर आप बताएंगे जो थोड़ा अपबीट होगा तो वो मैं प्ले कर सकती हूँ। चले, ठीक हो गया, सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, काशी मंसारी कहते हैं आपने कहा कि आप अंकल की फरमाइश पूरी करती हैं, तो काशी अंकल की फरमाइश भी पूरी कर दें, सज्जाद अली का या फिर नजम शिराज का मैनू तेरे नाल हो गया है प्यार। ओके, सज्जाद अली का कौन सा गाना? सज्जाद अली का प्ले कर देते हैं, बैकग्राउंड भी सुनेंगे। लेकिन ये नजम शिराज का गाना बहुत ज़्यादा ही पुराना है वो, और कुछ पता नहीं वो कौन कौन से गाने। मैंने नजम शिराज के गाने एक्चुअली सुने भी नहीं है, एक आती सुना है। सो फिलहाल कोई और गाना बता दें आप, अगर बता देंगे तो वो सज्जाद अली का हम ढूंढ लेते हैं सॉन्ग कोई, सही है, तो उसको प्ले कर देंगे। और लेट्स सी कि हमारे साथ कौन है, साथ साथ में गाना भी ढूंढ लेती हूँ। देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा प्लीज। जवाद खान सोलंकी और कुछ कर दूं जी। सोलंकी साहब मेरे भाई, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बताइए क्या कहेंगे टॉपिक पर, टॉपिक सुना आपने? अभी आए हैं तो चलें फिर आप एक काम करें, आप सुने शो, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। टॉपिक सुनकर आप फौरन ट्यून करके कॉल ना किया करें प्लीज, पता क्या करें आप जो है वो सुने, पहले टॉपिक सुने उसके बाद टॉपिक पर बात करेंगे ना, वरना क्या बात करेंगे ऑन एयर आपके। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खत्म बात। एग्जैक्टली ना। चले जी, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं सबसे पहले जी, दजमे अंकल मैं आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अंकल की बजम बन गई, अंकल बहुत सारे आ गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जी। वो कहते हैं जिस घर में बुजुर्ग नहीं है उस घर में बरकत भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब उनकी तफैल है, उनकी दुआओं की तफैल है। रजा साहब आए, उनकी काम का जी बड़ा अजीब सा लगा जी, जी। होता रहता है ये इस तरह। तो वो तो कहते हैं ना, पछताने की बात कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं हम, बहुत पछता है। सही है। तो ये है कि प्यार लेना तो फिर पछतावा सा एहसास है। तो मेरे पछतावा ये है, मैं कराची से माइग्रेट करके यहाँ आया, तो मेरा ख्याल है कि वो पछतावा सा नहीं रहेगा। और यहाँ के चार बेटों को देखिए, वो अपनों में जीता के अपने ले, और वो हमारा होता क्या है कि हम अपनों में शादी हैं दूर हो जाते हैं। सही, बदनसीबी है।
बिना बिजली को लड़ते हैं, सुबह लड़ते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद का हो गया है कि फिर जो होता है तो हम अपने बहन बनी जाते हैं। तो हमारा ये जब बिजली का मैं शादी को डाल रहा था तो यहाँ सब मेरे लोग कोई नहीं थे, अस्पताल वाले ही थे, तो कॉल ड्रॉप हो चुकी है और चलें जी एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं और फिर उसके बाद जो है कमेंट्स को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हूँ मैं। जैनब आपको सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम जैनब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं जैनब। आज असल में ना हुआ ये कि मैं देर से कॉल इसलिए मेरी हुई, मैं गया था अपने एक रिश्तेदार के घर पे सुबह। अच्छा, सही है। तो वहाँ से फिर मैं ना बाइक पर आया घर पे। अच्छा अच्छा। तो देखा तो मैंने कहा टाइम है, चलो कॉल करी। जबरदस्त हो गया अंकल, बिल्कुल। और बिटिया क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, बस बातें हो रही हैं। शो कैसे जा रहा है? शो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा ये अपने क्या नाम है रुबीना बहन जो इनकी वालदा की तबीयत कुछ सही नहीं थी, मैंने सुना था। तो, जी जी तो उन्होंने कहा कि अब बेहतर है अब। अच्छा अच्छा। दूसरा मुझे ये कहना था कि आप ये जो YouTube पे मुझे जो शो भेजते हैं ना वो जरा जल्दी भेजना। सही हो गया अंकल। और दूसरा ये है कि इसमें ना लोगो लगा हुआ है, लोगो जो होता है ना YouTube पे आता है जी, जी। उसमें ना आपकी तस्वीर भी होती है जी। बताए तस्वीर देख के ना मैं यही कहता हूँ कि जो बात तस्वीर में नहीं, जो बात आप में हो तस्वीर में कहाँ। सही है, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ऐसे ही अंकल, ऐसे ही है। रेडियो पे आप बात भी कर सकती है, तस्वीर थोड़ी बात करती है। बिल्कुल तस्वीर कहाँ बात करती है, लेकिन कभी आप तस्वीर से बातें करके तो देखें अंकल, आपको पता चलेगा। अच्छा वो नहीं, मेरी नहीं, वैसे ही कह रही हूँ नॉर्मल। अच्छा वो आपने जो आपका जो बर्थडे का शो था वो मेरे इसमें आया था मोबाइल पे। जी जी। मैंने उसको सुन भी लिया लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया है, तो क्या आपने डिलीट कर दिया है अंकल? मैंने डिलीट नहीं किया है, वो यूट्यूब ने कॉपीराइट भेजा हुआ है, उसपे पुराने गाने चलाए थे ना। ओह माय गॉड, तो अब क्या होगा? बस अंकल मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी कॉपीराइट हटा के उसपे से। सही है। हाँ तो वो जरा मुझे दोबारा अपलोड दोबारा कर दूंगी अंकल, परेशान नहीं होना बस आपने। अच्छा और दूसरा ये कि उस दिन मैंने कहा था कि भाई फला फला की मतलब के इनकी कॉल मतलब सही थी, तो उसमें ना एक नाम मैं भूल गया था, वो है भट्टी साहब। भट्टी साहब, भट्टी साहब, हाँ भट्टी साहब ने भी ना नाई दफ्तर का गाना भेजा था। जी जी। तमाम उम्र बिल्कुल तुझे प्यार मिले, बिल्कुल है ना। जी जी। तो इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की थी। ये भी मेरे बड़े भाईजान है, इनको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त हो गया। पता नहीं ये रीडायल पे लगे हुए होंगे। नहीं उनसे बात हो गई है, अभी बात हो गई है। अभी बात हुई। जी जी। तो सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये लाहौर में रहते हैं ना? सियालकोट में। अच्छा सियालकोट में, तो पता नहीं फज्जे के पाए मिलते नहीं मिलते। फज्जे के पाए, ये फज्जे होता क्या है पहले ये तो बताएं। ये मैं क्यों बताऊं? बताए ना अंकल। आपने एक काम करो, मसूद अहमद साहब है ना सऊदी वाले, हाँ जी। इनको बोलो ये कराची आ जाए। अच्छा। फिर आप बिरिया, मैं और मसूद अहमद साहब तीनों मिलके ना हम जाएंगे ये क्या नाम है कनीज के अबू के यहाँ हलवा पूरी खाने के लिए। सही है। लेकिन शर्त एक होगी कि वहाँ ना हम सरप्राइज देंगे। सही है। अगर सरप्राइज नहीं देंगे तो फिर वो हमसे पेमेंट नहीं लेंगे हलवा पूरी। सही है। तो वहाँ उन्हीं से पूछ लेंगे कि भाई ये फज्जे के पाए क्या होते हैं। सही है। चलें जबरदस्त हो गया अंकल, ठीक हो गया। अम्मी अबू कैसे हैं? अम्मी अबू ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और आपकी तबीयत सही है बेटा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है अंकल मेरी तबीयत। नाश्ता करके आते हो ना? जी जी मैं नाश्ता करके आती हूँ अंकल। ये आप जो ये अच्छा मुझे नाश्ते पे याद आया, ये अल्लाह आपका भला करे ना, ये आप मतलब कि हफ्ते में जितना भी ज्यादा हो ना मछली ज्यादा घर में पका के खाया करे। मछली अंकल, अभी मछली खाई है पिछले हफ्ते खाई है ना मछली ही मछली खाई है अंकल।
आप यकीन नहीं करेंगे मुझे डॉक्टर ने क्या बोला है पता है आपको? हर ऑल्टरनेट डे मुझे मछली खानी है, यानी के हफ्ते के 7 दिन में से 4 दिन मुझे मछली खानी है। सही बात है। अब आप सोचो कि मछली में मतलब कोई ऐसी बात होगी, जब ही डॉक्टर ने कहा है ना मुझे, तो मैंने कहा ये बात मैं अपने बिटिया की कानों में डाल दूं। सही हो गया अंकल, सही हो गया। और बेटा? बस अंकल जबरदस्त। और क्या कहोगे? सॉरी, और कुछ कहना है आपने? नहीं अंकल, आप कुछ कह दें। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरी तो बातें चलती रहती है। मेरी क्या बातें खत्म होंगी अंकल, मैं तो पूरे सारा दिन बोलती रहती हूँ। तो वो तो आप ऐसे ही बोलती रहती है ना, इसके लिए उसके लिए फला के लिए कभी 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 बड़ा अंकल, कभी मंजिला अंकल, हाँ जी, कभी छोटा अंकल। हाँ जी, चले ओके बेटा। रिश्तेदार के घर गया था तो कुछ मतलब कि मैंने वो नहीं किया है। हाँ जी अंकल, आई एम सो सॉरी बेटा। अरे नहीं अंकल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। जरूर, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें ही लिखी, लिखी हूँ भी बातों से भी आती है आवाज, आती है आवाज। मैंने जो आवाज सुनी है, मैंने जो आवाज सुनी है, उस आवाज के पहले सुर सफा क्या लिखो कहकशाएं खुलने लगी, सदियों पुराने सभी राज खुल गए। तीसरा सफा क्या लिखा कहकशाएं खुलने लगी, सदियों पुराने सभी राज खुल गए, राज खुल गए। कायनात खुली है, ओके okay, अच्छा जी। सानिया सानिया कहती हैं बहुत शुक्र है, कहती है ना कसम से आपके शो के चक्कर में ना सारे काम पड़े हैं और घर के 11 बजे के बाद काम करना है, बच्चे स्कूल गए हैं, वाह, और फिर खाना बनाना है। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। मतलब आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मेरी मोहब्बत में 2 घंटे कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मेरा शो सुनते हैं सबके सब, क्या बात है। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। अच्छा फराज कर रहे हो हाथ दे। अच्छा वो उस बात पे कह रहे हैं कि मैंने कहा कि अपनी आंखों में जो है ना तुम आंखों के समंदर में मछलियां पाल लो। तो बोला क्यों था कि मेरी आंखें समंदर है। नाम खुला है तेरा नाम। अच्छा जी हमारे लगते हैं यानी कि इल्मा कहती हूँ और आप मेरा कमेंट रीड करती हो, मुझे बहुत खुशी होती है। पछतावा ये है कि स्कूल छोड़ा। अरे लड़की कोई बात नहीं, आप कभी भी किसी भी उम्र में दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। महसूस आप कहते हैं कि तुम्हारे शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। चलो फराज सितारे सफर के देखते हैं। नहीं ठहर जाए, कोई मसला नहीं है, कूच करने की क्या जरूरत है, कूच ना करी। वो नहीं सुना आपने काशी वाली वाली कहते हैं एक गाना ये भी सुन के देखें, होना था प्यार हुआ है मेरे यार। हाँ जी मैंने सुना है बहुत बार, तो इसलिए अब हम नहीं लगाएंगे इस बार, किसी दिन लगा देंगे अगली बार अगर हमारा मूड हुआ किसी दिन, सही है ना। तो अभी फिलहाल जो है चलें एक लास्ट कॉलर को, मैं लास्ट हो सकता है लास्ट कॉलर हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है जिसकी भी थी, चलें जी और दोबारा से हम रिसीव कर लेते हैं कॉल, जिसकी भी होगी लास्ट कॉलर होंगे हमारे शो के, राइट। और 02135305788 इज द नंबर, 5787 इज द नंबर है, क्या हो गया, एक नंबर अगर मैंने कम बता दिया, लोग नंबर डायल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी, नाम बताइएगा, कौन हमारे साथ? चौधरी अरमजान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आज की, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी, क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? टॉपिक जी बिल्कुल मैंने सुना, जिंदगी का सबसे अच्छा काम हमने तब किया था जब हमने मिनाजी कौन को ज्वाइन किया।
किसको ज्वाइन किया? मिनहाजुल कुरान डॉक्टर तहल का. ओके 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 ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया. और पछतावा किस चीज का है आपको? पछतावा बस यही है जब आप हमारी कॉल ड्रॉप कर देती हैं. मैं कॉल ड्रॉप कहाँ करती हूँ? रिसीव जल्दी नहीं करती ना यानी. अच्छा ये बोले ना कि रिसीव नहीं करती कॉल, तो मैं ड्रॉप नहीं करती खुद से जानबूझ के. हाँ वो कुछ 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 लोगों की करनी पड़ती है, लेकिन वैसे नहीं करती मैं ड्रॉप किसी की भी कॉल. तो बस इस तरह है भाई, यही पछतावा होता है. और मुझे मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया, उसमें मुझे आपका जो है ना बताया शो का, जिसकी आपने कॉल ड्रॉप कर दी थी. अच्छा हाँ, तो भाई देखे ना जिनसे पहले बात हो चुकी है ना वो कॉल आज ना करें, इसलिए तो हमने कॉल ड्रॉप की उनकी. वो चवल पंजाबी. अच्छा सही है, बस ठीक हो गया. ख्याल से बात करते हैं जब ऑनर बात करते हैं तो, ठीक है ना. और देखिए अब ये वाली अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी मुझे लगता है कि ऑन एयर क्या बात करनी है आपको, क्या नहीं करनी. फिर मैं कॉल ड्रॉप करती तो लोग कहते हैं कि कॉल ड्रॉप कर दी. मैंने सीधी सादी बातें ही लिखी. सो अच्छा जी, रुबीना कहती है कि गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्यादा काश, बहुत शुक्रिया. कहते हैं कि आप ये सॉन्ग ओए प्यार नसीबा नाल मिलता हुजूर है. भाई मैं फरमाइशी गाने नहीं चलाती, शायद आप लोग भूल गए, मैं आजकल चला देती हूँ, तो आप लोग सारे के सारे फरमाइशी कर रहे हैं, सही जा रहे हैं आप लोग. और साथ साथ फराज कहते हैं आवाज दो हमको, हम खो गए समंदर में ना खो जाने बेटा. और चलें जी, मौसम जगत कहते हैं कि भज्जे के भज्जा एक ब्रांड है, एक नाम है सिरी बाय बेचने वालों में. अच्छा ओके ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. कहते हैं अचानक लोग बदल जाएं तो बहुत दुख होता है, दिल में हजारों ख्याल आते हैं कि मैंने तो नहीं कोई गलती कर दी, लेकिन कुछ लोग और लोगों की नेचर ही ऐसी होती है. मलिक फैजल कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया. मौसम साहब कहते हैं कि अंकल बशीर के लिए तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. ओके. और साजिद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. जायद आकाश कहते हैं अभी मेरी भी जो है वो बर्तन, मेरे भी बर्तन बढ़े हैं, शो के बाद में धोऊंगा. ओके हैं अच्छा. शोएब में वो कहते हैं कि मेरी मॉर्निंग भी हो गई है. फैजान फैजान कहते हैं कि मेरा SMS क्यों नहीं पढ़ रही आपा, मुझे नजर आएगा फैजान तो मैं जरूर पढ़ लूंगी. और साथ साथ काशी वाली वाले कहते हैं तो नहीं सुने में कौन सा बोल रहा हूँ कि लाजमी सुने. और जायद आकाश कहते हैं कि अभी आपके शो में वाहिद लड़का हूँ जो खाना बनाता हूँ. अरे वाह क्या बात है, अच्छी बात है भाई, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है वो यू नो क्या आप लड़के हैं कि लड़की हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि लड़कों को ही खाना बनाना आना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को ही खाना बनाना आना चाहिए. काशी वाले वाले कहते हैं कि हम मछलियों को बेघर करना चाहती हैं. अरे मछलियों को तो हम नया घर दिलवा रहे हैं, कहाँ बेघर कर रहे हैं हम. लगी सदियों पुराने सभी राज खुल गए, राज खुल गए मुझ पे, कायनात खुली है. मसूद साहब कहते हैं हाँ जी मैंने शामिल किया, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा अमानुल्लाह यानी किलमा कहती हैं कि मैंने आपका YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है. चलो जजाक कर ले लड़की, बहुत शुक्रिया, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा इस बात का कि तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है. ओके फराज कहते हैं प्ले डेट प्ले कर दो, ये कौन सा गाना है भाई, मैंने नहीं सुना है फराज. और मसूद साहब कहते हैं कि मैम एक गुजारिश है कि जब आप 2.5 अक्षर किताब लिख लेना तो वो कलम मुझे गिफ्ट कर देना. 2.5 अक्षर किताब. नदीम साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहाना, ऑसम शो, मैं मार्च से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन. चलें जी, इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, इजाजत लेते हैं आपसे. हुमैरा भी आ चुके हैं, तो हुमैरा भी जो है वो यू नो आपके साथ शामिल होंगी, नहीं आप उनके साथ शामिल होंगे, वो आपको शामिल करेंगे अपने शो में, ऐसे ही कुछ होगा. सानी कहती अभी मेरे इतने सारे कॉमेंट स्क्रॉल हो गए. लड़की चलो कोई बात नहीं, कल तुम्हारे सारे कॉमेंट शामिल कर लेंगे, सही है, जाओ खुश हो जाओ. तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान. जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल. और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद. फरहाना इज़ माय लवली साइनिंग ऑफ, फी अमानुल्लाह.